तुर्की के राष्ट्रपति रिजब तैयब अर्दोआन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फोन पर बातचीत में वीगर मुसलमानों का मसला उठाया। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति से मंगलवार को कहा कि तुर्की के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वीगर मुसलमान चीन के समान नागरिकों के तौर पर शांति से रहें, लेकिन उन्होंने कहा कि तुर्की चीन की राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इस बातचीत को लेकर एक बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मसलों पर भी बात हुई। चीन पर वीगर मुसलमानों को हिरासत में रखने और उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप लगते रहे हैं। चीन ने शुरुआत में इन निगरानी शिविरों के होने से इनकार किया था, लेकिन बाद में कहा कि वो वोकेशनल सेंटर्स हैं और आतंकवाद से लड़ाई के लिए बनाए गए हैं। हालांकि चीन ने प्रताड़ना के सभी आरोपों से इनकार किया था। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के बयान के मुताबिक अर्दोआन ने कहा कि तुर्की के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वीगर तुर्क चीन के समान नागरिकों के रूप में समृद्धि और शांति से रहें। उन्होंने चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए तुर्की के सम्मान की बात भी की। इसके अलावा अर्दोआन ने शी जिनपिंग से कहा कि तुर्की और चीन के बीच वाणिज्यिक और राजनयिक संबंधों को लेकर बड़ी संभावनाएं हैं। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, परिवहन और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। दिलचस्प है कि चीन में वीगर मुसलमानों के खिलाफ उसकी क्रूरता को लेकर मुस्लिम देशों में खामोशी रहती है। पहली बार तुर्की ने 2019 में 10 फरवरी को चीन के खिलाफ आवाज उठाई थी और कहा था कि चीन ने लाखों मुसलमानों को नजरबंदी शिविर में बंद रखा है। तुर्की ने चीन के उन शिविरों को बंद करने की मांग की थी। हालांकि इसके बाद अर्दोआन सरकार का तेवर भी इस मामले में नरम पड़ता गया। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर कई चरमपंथी संगठन हैं, लेकिन ये चरमपंथी संगठन भी चीन के खिलाफ शायद ही कोई बयान देते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी चीन में मुसलमानों को नजरबंदी शिविरों में रखे जाने पर सवाल पूछे गए थे, तो उन्होंने चीन का बचाव किया था। चीन में वीगर मुसलमानों को हिरासत में रखने का मसला तुर्की में भी उठता रहा है। पिछले साल चीन और तुर्की के बीच प्रत्यर्पण संधि पर सहमति बनने के बाद तुर्की में रहने वाले 40,000 वीगर मुसलमानों ने चीन को लेकर तुर्की के रवैये की आलोचना की थी। इस साल मार्च में जब चीन के विदेश मंत्री वांग ये तुर्की के दौरे पर आए, तो हजारों वीगर मुसलमानों ने चीन में वीगर अल्पसंख्यक को लेकर हो रहे व्यवहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। तब तुर्की ने चीनी विदेश मंत्री के साथ बातचीत के दौरान भी वीगर मुसलमानों का मसला उठाया था। अप्रैल में तुर्की ने चीन के राजदूत को तलब भी किया था। तब चीनी दूतावास ने कहा था कि उसे वीगर मुसलमानों को लेकर चीन की आलोचना करने वाली विपक्षी नेताओं को जवाब देने का अधिकार है। पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने तो ये तक कह दिया कि पश्चिमी मीडिया ने चीन में वीगर मुसलमानों के मसले को सनसनीखेज बनाकर पेश किया है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में चीन 2005 से अब तक $144 अरब का निवेश किया है। इसी दौरान मलेशिया और इंडोनेशिया में चीन ने $121.6 अरब का निवेश किया। चीन ने सऊदी अरब और इराक की सरकारी तेल कंपनियों ने भारी निवेश कर रखा है। कई इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से पूछा गया कि वो चीन में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार पर कुछ बोलते क्यों नहीं, तो वो असामान्य रूप से खामोश रह जाते हैं। क्रिकेटर से पाकिस्तान के पीएम बने इमरान खान ने कहा कि वो इस बारे में बहुत नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार की निंदा कर चुके हैं। दुनिया भर के मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी और पाकिस्तान पूरे मामले पर खामोश रहे हैं। दूसरी तरफ ये देश रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार में हुई हिंसा की निंदा करने में मुखर रहे हैं।